सभी को मेरा राम राम। आज जो बच्चों हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट सीखेंगे यहाँ पर, वो बच्चों है हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, क्लास 10th का है ये, चैप्टर 8 है। ठीक बच्चों, ये बेटा चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या होता है बच्चों, इस चैप्टर से ना डर के दूर भागते हैं, ठीक है, कि भाई हाँ ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा क्या है ये, बहुत मतलब थोड़ा सा ना बच्चों को अजीब सा लगता है। तो प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप इसका जो ये बेसिक मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझें, ध्यान से सीखें, तब आपको बेटा ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा, इजी वे में आप इसको आराम से कर पाएंगे। और बच्चों ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट मतलब स्कोरिंग चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स के अंदर, आराम से बेटा इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं यहाँ पर बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है बच्चों, देखिए ट्रिग्नोमेट्री हमारी किससे बनी है ध्यान से देखेंगे, हमारे तीन वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, ठीक है, और फिर आता है बोन, और फिर आता है मैट्री। ठीक है, ये तीन वर्ड है बेटा, इन तीनों वर्ड से मिलकर बनी है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्राई का मतलब होता है बेटा थ्री, ट्राई का मतलब क्या होता है बेटा थ्री। ये सारे जो वर्ड है ये कौन से वर्ड है बेटा, ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड जो है हमारे बच्चों कौन से हैं, ये सारे वर्ड हमारे ग्रीक हैं, ग्रीक से ड्राइव हुए हैं। ठीक, तो ट्री का मतलब होता है थ्री, और गोन का मतलब होता है बेटा आपका साइज, गोन का मतलब क्या होता है बच्चों साइज, और मैट्री का मतलब होता है बच्चों मेजर, मैट्री का मतलब क्या होता है बच्चों मेजर करना। ठीक है, मैट्री का मतलब होता है बच्चों मेजर करना। तो ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ पर हम इस बेसिकली जो है इसका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली जो मतलब हुआ कि हम जो थ्री साइड्स हैं, ठीक है, हमारा द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, यानी कि जब हम कोई भी ट्राइंगल पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबली जो हमारा ट्राइंगल होगा वो मोस्ट प्रोबली क्या राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। ठीक है, जो हम यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री पे डील करेंगे बच्चों वो राइट एंगल ट्राइंगल पे डील करेंगे। तो हमारा क्या होगा, उसकी साइड और उसके एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पर ये जो देखो, यहाँ पर ये थ्री साइड से बना जो ट्राइंगल है उसके मेजर्स पे बात करेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अगर हम थोड़ा एंशियंट टाइम में जाएं तो बच्चों जो आर्यभट्ट थे हमारे, जो हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट थे हमारे आर्यभट्ट, जो मैथमेटिशियन थे हमारे, साइंटिस्ट मैथमेटिशियन ही बोल सकते हैं उनको, तो बच्चों वो जो थे हमारे वो अराउंड 500 AD, अराउंड कितना बेटा 500 AD के अराउंड उन्होंने क्या करा था बच्चों, इस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत शोध किया था और मतलब बहुत ही कंक्लूजन निकाला था इन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने बेटा क्या किया था, उन्होंने 500 AD के दौरान उन्होंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया जीवा, उन्होंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया मतलब क्या जीवा। ठीक है, एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया जीवा। ठीक है बेटा, अब ये जीवावाद जो था इसको जब हमने ट्रांसलेट किया किसमें, ग्रीक वर्ड में, तो वो उसका मतलब होता था साइनस, जीवा का मतलब होता था बेटा साइनस। ठीक है, जीवा का मतलब क्या होता था साइनस, इसका बेसिक मीनिंग जो होता था उसका मतलब होता था कर्व, इसका बेसिक मीनिंग क्या होता था बेटा कर्व मींस कर्व। ठीक है, इसका जो बेसिक मीनिंग होता था साइनस का कर्व होता था बच्चों। ठीक है, ठीक है, अरेबिक में से बोलते थे साइनस, ये अरेबिक वर्ड जो है, ये साइनस वर्ड जो है अरेबिक वर्ड था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर लैटिन में बाद में लैटिन वर्ड इसे साइनस को लैटिन के अंदर बेटा ड्राइव कर दिया गया साइन में, SINE साइन में ड्राइव कर दिया गया बच्चों। ठीक है, अब हम इसको हम शॉर्टकट में अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो साइन, ये शॉर्टकट वर्ड हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो इस वर्ड के फॉर्म में यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस करा बेटा, इस तरीके से साइन वर्ड आया। ठीक है, फिर आगे कुछ जो हमारे जो लैटिन के जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, इंग्लिश या बोल सकते हैं इंग्लिश एस्ट्रोनोमर उनको बोल सकते हैं। ठीक है, उनका नाम था बेटा एडमंड। ठीक है, क्या नाम था एडमंड, MUND एडमंड। ठीक है, ये जो हमारे जो बेटा एस्ट्रोनोमर थे इन्होंने ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया साइन या फिर कोसाइन। ठीक है, कोसाइन वर्ड इंट्रोड्यूस किया या फिर टेंजेंट इंट्रोड्यूस किया, ये सारे वर्ड इंट्रोड्यूस किए इन्होंने। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने ये एडमंड काउंटर गंटूर बोलते थे इनको, पूरा नाम था एडमंड गंटूर, तो इन्होंने ये वर्ड को क्या करा बेटा इंट्रोड्यूस किया। ठीक है बच्चों, तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब बट देखो तो कोसाइन जो वर्ड था, तो कोसाइन वर्ड को जो आर्यभट्ट जी थे, जो आर्यभट्ट जी थे कोसाइन वर्ड को क्या बोलते थे, कोतिजया नाम उन्होंने कोसाइन वर्ड को दिया था। ठीक है, बाद में ये एडमंड गंटूर ने कोसाइन फिर टेंजेंट फिर टेन उसे नाम दे दिया गया। ठीक है,
अब बच्चों देखते हैं यहां पर क्या होता है कि इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होते हैं। ये जो हमारा साइन कोसाइन या टेन है, इन रेशो, एक तरीके का रेशो होता है बेटा। तो ये कैसे डेवलप किया गया तो हम अभी थोड़ा सा जानते हैं बच्चों। देखो बच्चों ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में अभी हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो डेवलप हुए, ठीक है। आर्यभट्ट जी ने क्या क्या किया, क्या कैसे डेवलप किए। उससे पहले बच्चों हम एक पाइथागोरस थ्योरम है आपकी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पीजीटी थ्योरम बोलते हैं उसे हम, ठीक है, पीजीटी शॉर्टकट में लिख देते हैं, टाइम खराब करें, ठीक है। तो पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको बारे में जज करेंगे कि हम जानेंगे थोड़ा समझेंगे कि क्या कहलाता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। देखो बेटा तो ये देखो ये हमारा क्या है बेटा, एक एंगल का 90 डिग्री हो, ए बी सी, एक एंगल हमारा क्या हो बच्चो 90 डिग्री हो, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री हो और जो 90 डिग्री के सामने जो एंगल रहता है, 90 डिग्री के सामने जो बच्चों एंगल रहता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस एच कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हाइपोटेनियस कहते हैं इसको हम, ठीक है, हाइपोटेनियस कहते हैं इसको, ठीक है बच्चों। और ये जो देखो यहां पर अगर मैं एक बेस एंगल लिया मैंने थीटा, ठीक है, एक बेस एंगल लिया, ये जो थीटा वर्ड है बेटा ग्रीक लिस्ट में से आया, थीटा वर्ड जो हमारा कहां से आया, ग्रीक लिस्ट में से आया। तो थीटा वर्ड है अगर हमारा यहाँ थीटा होगा तो इसको हम बेस मानेंगे और थीटा के जस्ट अपोजिट ये होगा हमारा परपेंडिकुलर बेटा, ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों, ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम कर्ण बोलते हैं बेटा, ठीक है, और इसको हम आधार बोलते हैं बच्चों, ठीक है, और इसको हम लंब बोलते हैं बच्चों। तो देखो एंसेंट टाइम की इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर दें, वहां पर जो बेटा इस तरीके के जो पाइथागोरस जो है थ्योरम है उस तरीके की चीजों को यूज करते थे। वो क्या करते थे बच्चों, वो एक ट्राइंगुलर शेप में अपने गार्डनरी सिस्टम को बनाए रखा था उन्होंने, जिसके अंदर वहां पर क्या करते थे वो यहाँ पर एक उन्होंने ट्राइंगुलर शेप में एक गोडाउन बना रखा था जिसके अंदर अपने गेहूं चावल ये सब इकट्ठा करते थे यहाँ पर वो, ठीक है, अन्न भंडार को इकट्ठा करते थे। तो यहाँ पर भी वो यही करते थे, ठीक है, और यहाँ पर भी इस तरीके से बनाया था। तो उन्होंने वो देखते थे कि बच्चों यहाँ पर जो भी उन्होंने मान लो गेहूं रखा और यहाँ पर जो गेहूं रखा, इन दोनों का गेहूं एरिया जो दोनों गेहूं को मिलाकर ये जो यहाँ पर गेहूं रखा उसके बराबर आता था। तो इससे वहां पर इससे फिर आर्यभट्ट जी ने कंक्लूजन ये निकाला कि जो हमारा हाइपोटेनियस है बच्चों उसका स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है। बाकी जो इसकी प्रूफ है बेटा चैप्टर 6 में आप देखेंगे, जो हमारे सिमिलर वाली प्रॉपर्टी उसमें वहां पर देखेंगे, ठीक है। तो ये एक हमारी जो प्रूफ है वो आई, एच का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बराबर यहाँ पर बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस जी ने इस थ्योरम को प्रूफ करा बच्चों, ठीक है। यानी कि इसे हम बोलेंगे यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, और अगर हम आधार का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और हम यहाँ पे क्या करेंगे लंब का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये इसके स्क्वायर के बराबर आता है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों अब यहां से हमें हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर तो पता लग गया। सपोज मान लो एक चीज में और बताना चाह रहा था आपको कि अगर मान लो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ये 90 डिग्री बच्चों, तो 90 के सामने वाला तो ऑलवेज हाइपोटेनियस रहता है। अगर मान लो बेटा थीटा यहां से लेकर शिफ्ट अगर हमने यहां कर दिया, सपोज हमने लेट्स से थीटा यहां माना, तो इसके सामने वाली ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा। तो हमारा देखो बेटा यहाँ पर ना ये परपेंडिकुलर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और बेस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो कैसे इंट्रोड्यूस हुए वो देखते हैं, इतना स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। तो देखो बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुए, सबसे पहले क्या करा, दो हमने ट्राइंगल लिए थे, ठीक है, एक स्मॉल और एक बिग। हमने क्या करा बेटा, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में हमने इसे सिमिलर कर दिया, ठीक है। हम लेंगे ट्राइंगल, देखिए ए पी एम एंड ट्राइंगल ए बी और सी, इनको क्या कर दिया बेटा सिमिलर कैसे कर दिया, देखो एंगल एंगल प्रॉपर्टी सिमिलर हो गया। देखो ये वाला एंगल कॉमन है और ये 90 डिग्री है दोनों में, यानी कि दो एंगल से हमारे क्या हो गए, ये ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए पी बी, वो मैं प्रूफ करके नहीं दिखा रहा आपको, ठीक है, क्योंकि बेटा उसकी अभी जरूरत नहीं है, चैप्टर 6 में देखेंगे, ठीक है। चैप्टर 6 की प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा सिमिलरिटी क्या होती है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा बताया था, देखो सिमिलर का मतलब ये होता है कि दो ऐसे फिगर जिसका सिर्फ जो है आपका शेप वो एक जैसी हो उसे सिमिलर फिगर कहते हैं, जरूर नहीं कि साइज सेम हो, ठीक है। जैसे ये मान लो सर्कल है, ये सर्कल है, तो ये सिमिलर फिगर है, ठीक है। इसी में एक आता है कंकरेंसी, कंकरेंट फिगर कौन से होते हैं, ऐसे दो फिगर जिसका शेप और साइज दोनों सेम हो वो हमारे कौन से कहलाते हैं, कंकरेंट फिगर कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ये कह सकते हैं कि आपका जो हाथ है,
ये वाला हाथ और ये वाला हाथ दोनों क्या है कंकरेंट है, इधर से देखोगे तो दोनों सेम है, इधर से भी देखोगे सेम है, या फिर एक कॉइन एक रुपए के कॉइन के ऊपर 10 कॉइन रख दो सारे क्या है कंकरेंट कॉइन। ठीक है बच्चों यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है तो अब देखेंगे बच्चों जब मैंने इसको सिमिलर कर दिया, ठीक है तो सिमिलरिटी की एक प्रॉपर्टीज होती है कि अगर दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाए, अगर दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाए बच्चों तो उनकी साइड का जो रेशियो है उनकी साइड का रेशियो क्या होता है इक्वल हो जाता है। तो बच्चों देखो लिखते हैं यहाँ पर हम ए एम फॉर्म में, देखिए ये छोटा वाला ट्राइंगल फिर लिखेंगे ए बी, छोटा वाला ट्राइंगल ए बी, ठीक है ए एम अपॉन में ए बी, फिर लिखेंगे बेटा ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है बच्चों फिर लिखेंगे हम यहाँ पर पी एम अपॉन में बी सी। ठीक है ये हमारी एक कंक्लूजन यहां से ड्रॉ हो गया कि बेटा अगर हमारे दो ट्राइंगल क्या होते हैं बेटा सिमिलर होते हैं, अगर हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाती है बेटा डेवलप हो जाती है। ठीक है यहां तक कोई डाउट बच्चों? ठीक है अब एक काम करेंगे बच्चों अब हम इन तीनों रेशो में से दो दो रेशो को इक्वेट करेंगे। देखो तीनों बराबर है तो क्या हम इस तरीके से इन दोनों को बराबर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं देखिए जरा, अगर मैंने लिखा ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन में ए सी, ठीक है ये मैंने लिखा। तो देखो जब मैंने ये लिखा बच्चों ठीक है तो अब यहां से देखिए अगर मैं इस एबी को नीचे भेज दूं एबी को ऊपर भेज दूं तो कोई दिक्कत भेज देते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है तो ये क्या होगा देखो ए एम अपॉन में एबी और एबी अपॉन में एसी, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है तो बेटा जब हमारा ये चीज आ गया ठीक है तो यहां पर देखो क्या आया ध्यान से समझिएगा। ठीक है अब हमने यहां पर क्या करा यहां पर हमने इस वाले चीज को बराबर कर दिया। ठीक है तो देखो ए एम अपॉन में एपी और एबी ए एम अपॉन में एपी ठीक है और एपी एबी अपॉन में एसी। तो देखो बेटा तो जब ये ऐसा रेशो बना तो इसका नाम दिया इन्होंने क्या कॉस थीटा या फिर कोसाइन या फिर इसका नाम क्या दिया बेटा कोसाइन, क्या नाम दिया इस रेशो का नाम दिया इन्होंने कोसाइन। भाई ऐसे रेशो जब दो साइड के दो ट्राइंगल के बनेंगे तो उसका नाम क्या देंगे बेटा हम कोसाइन देंगे। ठीक है तो ये हमारा क्या नाम आ गया इसका बेटा कोसाइन आ गया। ठीक है या फिर कोस ए एंगल ले लीजिए। ठीक है एंगल यहां पर हमने ए रख किया ना तो यहां पर जाएगा कोस ए। ठीक है यहां तक आपको समझ में आया बच्चों इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताएं। ठीक है अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्या है हमारा अब हम इन दोनों को लेते हैं। ठीक है अब हम इन दोनों रेशो को लेते हैं। ठीक है अभी मैं आपको बताऊंगा कि देखो बेटा ये क्या है यहाँ पर है अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है इसको ऐसे एडिटिंग रहने देंगे। देखिए आप इस वाले रेशो को लेते हैं। ठीक है इस वाले रेशो को ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने लिया बेटा एपी अपॉन में एसी इज इक्वल्स टू पीएम अपॉन में बीसी। ठीक है अब हम क्या करते हैं एसी को इधर कन्वर्ट कर देते हैं एपी अपॉन में पीएम हो गया या एमपी कुछ भी ले सकते हैं और एसी अपॉन में बीसी। ठीक है एसी अपॉन में बीसी एसी अपॉन में बीसी तो बेटा ये ऐसी ठीक है एमपी अच्छा तो ये जो रेशो बनी हमारी बच्चों ठीक है इसको हम थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं बच्चों। ठीक है बीसी को ऊपर लिख देते हैं एक काम करते हैं इसको इस तरीके से लिख देते हैं थोड़ा सा। ठीक है ये हो गया हमारा बीसी इसको इधर भेज देते हैं बच्चों तो बीसी अपॉन में क्या हो गया बेटा एसी और पीएम अपॉन में बस रिवर्स कर दिया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो ये हमारा आ गया देखो बेटा जब हमारा एमपी अपॉन में एपी और बीसी अपॉन में एसी तो ये इस रेशो को इन्होंने क्या माना इस रेशो को इन्होंने माना साइन ए। क्या माना बेटा साइन ए। ठीक है यहां तक कोई डाउट बच्चों समझ में आया सभी को। उस तरीके से अब हम इस तरीके से हमने क्या करा अब हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करेंगे बेटा इक्वेट करेंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इक्वेट करेंगे। ठीक है बच्चों तो फर्स्ट टर्म यानी कि ये और ये अभी हमने देखो इन दोनों को करा अब इन दोनों करा अब इसको और इसको कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा बच्चों अब ये समझाऊंगा मैं ये क्या आ रहा है। ठीक है ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है ए एम अपॉन में क्या है हमारा ए बी और इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन में क्या है हमारा बी सी। ठीक है बच्चों यहां तक देखो तो अब हम इसे क्या करेंगे बेटा अब हम इसे क्या करेंगे एमपी अब हम बीसी को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा बीसी अपॉन में ए बी। ठीक है और ये हो जाएगा हमारा पीएम अपॉन में ए एम। ठीक है इस रेशो का नाम इन्होंने क्या दिया बेटा इस रेशो का नाम इन्होंने दिया टेन ए। इस रेशो का नाम क्या दिया बेटा इन्होंने टेन ए। इस रेशो का नाम क्या दिया बेटा टेन ए। अब ये आपको लग रहा होगा कि सर ने पता नहीं क्या मेजर कर दिया क्या बोल दिया ये तो बेटा देखो ये तो आपका हो गया टी रेशो ये इस तरीके से बना। अब जब हम इसे अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसे डिफाइन करें तो ये रेशो क्या होते हैं देखो जरा। ठीक है इट इज एन एक्चुअल एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ठीक है बच्चों तो ये चीज देखो ये चीज समझ में आ गई। अब बच्चों मैं इसको ना आपकी जो बुक में जिस तरीके से रेशोज को हमारे क्या कर रखा है इक्वेट कर रखा है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है यहां तक स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार।
ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर अगर हम साइन की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर साइन फंक्शन की बात करें, अगर हमारा साइन ए होगा यहाँ पर थीटा, तो साइन थीटा क्या ए क्या होता है बच्चों, देखो ये जो साइन है थीटा के अपोजिट हमारी अपोजिट साइड होगी, और इसको हम बोलेंगे बेटा एडजेसेंट साइड, और ये हमारा हाइपोटेनियस, यानी कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है, नाम बस हमने चेंज कर दिया। देखो एडजेसेंट साइड क्या होता है बच्चों, एडजेसेंट साइड वो होता है जो थीटा के जस्ट साथ, एकदम पास वाला साइड हो, थीटा के साथ में जो साइड लगी होती है उसे एडजेसेंट साइड बोलते हैं, और जो उसके अपोजिट साइड होती है उसे अपोजिट साइड नाम दे दिया बच्चों, ठीक है, उसके सामने जो साइड होती है उसे अपोजिट साइड नाम दे दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने साइन ए बात करी, ठीक है, तो साइन ए क्या होता है बेटा, साइन ए होता है आपको अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन में क्या आ गया आपको, अपॉन में हाइपोटेनियस एच, ठीक है, अपॉन में एच, मैं हाइपोटेनियस को शॉर्टकट में एच लिखूंगा बच्चों, हाइपोटेनियस को शॉर्टकट में क्या लिखूंगा बच्चों, एच लिखूंगा, ठीक है, तो साइन ए, ठीक है। अब ये साइन ए लिख लो, या इसे ऐसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं, साइन एंगल ए, ठीक है, एक ही बात है। तो देखो बच्चों, यहां पर मैंने साइन को क्या डिफाइन कर था, ध्यान से देखिएगा जरा, इसको देखिए, यहां पर मैंने साइन को क्या डिफाइन किया था, बीसी अपॉन में एसी और पीएफ अपॉन में एटी। देखो बीसी बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, तो बीसी क्या है, ये है देखो बेटा, अगर ये थीटा है तो ये क्या है, अपोजिट साइड है, ये अपोजिट साइड ही तो है, या सॉरी परपेंडिकुलर तो है, अपोजिट साइड है, और ये वाली साइड क्या है, इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड, ठीक है, एडजेसेंट साइड है ना, एडजेसेंट साइड है। तो देखो यही हो गया रेशियो, है ना, बीसी अपॉन में एसी, बीसी अपॉन में सॉरी बीसी अपॉन में एसी हाइपोटेनियस, बीसी अपॉन में एसी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया बच्चों कि ये किस तरीके से हमारा ड्राइव हो रहा है, इस तरीके से हम सेकंड पार्ट ही हमारा फर्स्ट है। अगर हम कोसाइन की बात करें बेटा, कोसाइन एंगल ऑफ ए वो क्या होता है बच्चों, वो हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, वो हमारा क्या होता है बेटा, बेस मतलब एडजेसेंट साइड, ठीक है, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन में एच, ठीक है बच्चों, एडजेसेंट साइड अपॉन में एच। तो कोसाइन देखो जरा यहां से, ए एम अपॉन में एच, बड़ा रेक्टेंगल कर लेते हैं, एपी अपॉन में एसी, देखो एपी क्या है बेटा, एपी एपी सॉरी एपी क्या हो, एबी, एबी क्या है, ये है देखो एबी, एडजेसेंट साइड अपॉन में एच, एच ये है, ये बड़ी वाली जो साइड है इसका हमारा क्या है, ये एच है, ठीक है बच्चों। तो इस टाइम से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं, तो वो क्या आएगा बेटा, टेन एंगल ऑफ ए, टेन एंगल ऑफ ए, तो टेन एंगल ऑफ ए क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर देखिए क्या है हमारे पास, मतलब अपोजिट साइड, ठीक है, दिस अपॉन में दिस, यानी कि अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड, अपॉन में एडजेसेंट साइड, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखो जरा, यहाँ ध्यान से देखो जरा बच्चों, टेन वाला, ठीक है, बीसी अपॉन में ए बी, ठीक है, बीसी अपॉन में ए बी। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, जिस तरीके से मैंने आपको रेशियो को यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसी तरीके से ये तीन, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, टी रेशियो बोलो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलो, तो मेरा तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बता देगी किस तरीके से हमारे ड्राइव हो गए, ठीक है। इसी तरीके से बेटा बाकी के जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो ड्राइव होते हैं, इसका जब हम रिवर्स कर देंगे तो वो हमारे ड्राइव आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों, इसी तरीके से बाकी के जो हमारे तीन है मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, फोर फिफ्थ एंड सिक्स, कोसिकेंट ऑफ ए, सिकेंट ऑफ ए एंड कोटेंट, कोण, टेंजेंट ऑफ ए, ठीक है। तो देखो इसको अगर हम ये सारे हमने वैल्यूज लिख दी है, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इसको साइन ए को हम साइन सिन ऑफ, यानी सिन या साइन पढ़ लो, साइन ए ऑफ बी सी अपॉन में ए सी, कॉस ए बी अपॉन में ए सी, टेन बी सी अपॉन में ए बी, कॉसेक ए सी अपॉन में बी सी, और सेक ए सी अपॉन में ए बी, और कॉट ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से ये शॉर्टकट फॉर्म में मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है। बाकी अभी मैं इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया सभी को, ठीक। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो बच्चों, अगर मान लीजिए, ठीक है, बस एक छोटी सी चीज है कि अगर मान लो यहाँ पर हमारा क्या है बेटा, अगर यहाँ पर एंगल जो है बच्चों, ये थीटा जैसे मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने लिया, अगर मैं इस थीटा को चेंज करके यहाँ लिख दूं, अगर मैं इस थीटा को बेटा चेंज करके यहां ले दूं, तो हमारे पास क्या क्या चेंज हो जाएगी बच्चों, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी अपोजिट साइड, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, अपोजिट साइड, है ना, और ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, ये हमारी हो जाएगी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, एडजेसेंट साइड हो जाएगी। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होंगे वो क्या होंगे बच्चों, तो वो आप देख लीजिए, जैसे साइन सी आ जाएगा यहां पर, फिर यहां पर आपका कॉस सी आ जाएगा यहां पर,
फिर आपका आ जाएगा टेन सी आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा कॉस सी आ जाएगा, ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा साइन कोस कोस एक्स सी आ जाएगा, ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा ये sec sec सी आ जाएगा, और फिर आपका आपका cot सी आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों वो देखो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, साइन मैंने आपको क्या बताया था, साइन जो होता है बेटा वो पी अपॉन एच, यानी कि आपका जो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब ये एडजेसेंट साइड अपॉन में, सॉरी अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा जो अपोजिट साइड है इसको हम पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, जो साइन सी, मैं इसको एबी के टर्म्स में लिख रहा हूं, तो साइन सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों एबी अपॉन में बीसी, एबी अपॉन में बीसी। और कॉस सी क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस सी हो जाएगा आपका, सॉरी एबी अपॉन में एसी होगा, सॉरी एबी अपॉन में एसी होगा, ठीक है, एबी अपॉन में एसी हाइपोटेन्यूज होगा ना बच्चों, ठीक है। अब आपका जो कॉस सी होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस सी हो जाएगा आपका बीसी, बीसी अपॉन में एसी, बीसी अपॉन में एसी, बीसी अपॉन में एसी, ठीक है। और टेन सी जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका परपेंडिकुलर, वो टेन सी जो हो जाएगा आपको वो हो जाएगा बेटा एबी अपॉन में बीसी, एबी अपॉन में बीसी, एबी अपॉन में बीसी। यहां तक बच्चों सबको समझ में आ गया, ठीक है। और sec c जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एसी अपॉन में बीसी, और cosec c जो हो जाएगा हमारा एसी अपॉन में एबी, और हमारा जो cot c होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका, cot c जो होगा वो आपका बीसी अपॉन में एबी, तो यहाँ सॉरी बीसी अपॉन में एबी। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया बच्चों, तो इसका स्क्रीन शॉट लें फिर आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों अब यहाँ पर इनके बेसिस पे बेटा जो मैंने रेशो बताया, ठीक है, इन रेशो के बेसिस पे थोड़ा सा हम कुछ चीजों को देखते हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो देखो बच्चा ये हमारा ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारा बेस हो गया बच्चों, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया बच्चों, ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चों देखो ध्यान से समझेंगे, देखो साइंस आपको क्लियरली दिख रहा है, साइंस आपका साइन क्या है बच्चों, साइन है आपका बीसी अपॉन में एसी, साइन क्या है आपका बीसी अपॉन में एसी, सॉरी बीसी अपॉन में एसी। तो बेटा कोस क्या होता है, एसी अपॉन में बीसी। तो यहां से बेटा क्लियरली आपको दिख रहा है, देखो इसके जो रेशो है रिवर्स हो रहे हैं, ठीक है, तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हो गई कि साइन अपॉन में वन अपॉन में कोसेक ए आ गया, साइन अपॉन में वन अपॉन में कोसेक ए एंगल आ गया, ठीक है। यहां से कोई डाउट बच्चों, साफ आपको रिलेशनशिप दिख रहा है, तो ये एक फॉर्मूला तो यहां से डेवलप हो गया बच्चों की साइन जो है वो हमेशा कोसेक के इक्वल टू होता है रिवर्स करके, ठीक है। और अगर हम इसको इधर भेज दें तो दूसरा फॉर्मूला क्या डेवलप हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा कोसेक इंटू साइन ए इज इक्वल टू वन, कोसेक इंटू साइन ए इज इक्वल टू वन। सेम इस तरीके से बेटा यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, देखो ये, देखो ये ए बी अपॉन में एसी और एसी अपॉन में एबी, तो आपस में क्या है रिवर्स है बच्चों, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला डेवलप होगा कि हमें यह पता लगा कि बेटा कोसेक और सेक के हैं आपस में जो जो रेशो है वो एक दूसरे के रिवर्स है, ठीक है। तो यहाँ एक फॉर्मूला ये डेवलप हो गया बेटा कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा बच्चों, वन आएगा। सेम यहाँ पर बेटा ट्रेंड टेन और कॉट के अंदर है वो इसका रिवर्स है, ठीक है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो क्या आएगा, वो भी क्या आएगा बेटा, वन आएगा। यानी कि हम इन दोनों का जब प्रोडक्ट करें, ठीक है, इन दोनों का हमारा प्रोडक्ट करें तो वो भी क्या आएगा बच्चों, वन आएगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये एक तरीके का रेशो है, ठीक। तो इनके बीच में रिलेशनशिप रेशियोज में इस तरीके से आती है, ठीक बच्चों। अब नोट देखेंगे कि द वैल्यू ऑफ द टी रेशियो ऑफ एनी एंगल नोट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल, इट डिपेंड ऑन द एंगल्स। यानी कि हम देखो इसकी जो बेस है ये परपेंडिकुलर, मान लो इसकी लेंथ 5 होती, इसकी लेंथ 3 होती, इसकी 4 होती, इसकी 5 होती, तो भी रेशो यही रहता, मतलब रेशो में उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर कोई और लेंथ ले लो आपका, जैसे मान लो ये हो गया आपका 13, 12 और 5, तो भी कोई रेशो पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिर्फ उसके एंगल के, अगर एंगल की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो उसके रेशो पे फर्क पड़ जाएगा बच्चों। और एक एंगल ऑलवेज बेटा 90 डिग्री होना बहुत जरूरी है, ये ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल में सारे रेशोज डिफाइन होते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। चलो तो ये तो एक हो गया, अब इसके अंदर एक और रेशोज पे हम बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर कि अगर हम टेन की बात करें, तो टेन से देखो हमें क्या कंक्लूजन निकल रही है, देखो बच्चों कि जो अगर मान लो मैं क्या करूं, अगर मैं कोस साइन और कोस को डिवाइड मार दूं उनके रेशियो को, देखो जरा तो ये हो जाएगा बीसी अपॉन में एसी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन में एसी, ठीक है। तो देखो बेटा एसी से एसी कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये ऐसा होता है, ये वैल्यू यहां जाती है और ये वैल्यू यहां जाती है। तो हमारे पास बचा क्या बच्चों, यहाँ हमारे पास क्या बचा टेन ए इज इक्वल टू
क्या बच्चा बीसी अपॉन में ए बी, तो ये देखो मैंने टेन क्यू लिख दिया इसको, बीसी अपॉन में ए बी मैंने टेन क्यू लिख दिया क्योंकि यही तो है वो, ठीक है। तो ये रेशो को जब मैंने डिवाइड मारा तो हमारे पास ये कंक्लूजन आ गया बच्चों। तो इसी तरीके से सिमिलरली हमारा जो कॉट है, जब अगर हम कॉस और साइन को डिवाइड मार देंगे तो कॉस का रेशो कॉट का रेशो आ जाएगा, यानी कि हमारा एक फॉर्मूला डेवलप हुआ बच्चों कि कॉट क्या होता है हमारा कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है, और टेन क्या होता है बच्चों हमारा टेन होता है हमारा साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो दो फॉर्मूले और यहां से डेवलप हो गए। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों अब जब हम यहाँ पर पावर ऑफ टी रेशो देखेंगे, पावर ऑफ टी रेशो क्या होता है बच्चों, पावर ऑफ टी रेशो होता है कि हमारा जो है कोई भी मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, मान लो साइन है टेन है कोट है सेक है कोई सी कोसेक है कुछ भी है, उसका अगर हम स्क्वायर करें क्यूब करें पावर फोर करें फाइव करें तो बेटा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यूब साइन क्यूब को इस तरीके से लिख सकते हैं, सेक में टेन में कोसेक में सब में इस तरीके से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उसकी क्या वैल्यू होती है कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए। वैसे तो बेटा बहुत सारे एंगल्स हैं हमारे पास जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकलती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री सबकी वैल्यूज है, ठीक है। अगर हम चार्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का एंगल्स का वैल्यूज का चार्ट देखें तो वहां पर सबकी आपको वैल्यू मिलेगी, बट हमारे बेटा यहाँ पर 10th क्लास के अंदर कुछ स्टैंडर्ड हमारे एंगल्स हैं जिसको हमने पढ़ना है, जो कि बेटा हमारा आगे फ्यूचर में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा। जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है बच्चों वो क्या करते हैं, बहुत जगह इसकी एप्लीकेशन है, मान लीजिए जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो इसका यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर जो यूज है एस्ट्रोनॉमर जो है वो यूज करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड प्लैनेट के बीच में अर्थ के बीच में दूरी निकालने के लिए, सन और स्टार के बीच में मतलब डिफरेंट प्लैनेट्स की जो है आपका वो है क्या कहते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। और भी जगह बेटा इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। सिस्मोलॉजी मतलब जो अर्थ क्यों नापने में भी इसका यूज होता है, ठीक है। और आपका जो है आपका सर्वे ऑफ इंडिया जो है मैप्स लैंड को कैलकुलेट करने में मतलब कि कहां क्या है मैप्स बनाने में इसका यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर बच्चों अब जो है हम पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज जानेंगे। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बच्चों बताया था कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कैसे बने, क्या उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप है, कैसे डेवलप हुआ, तो बेटा उसका एक शॉर्टकट मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि आपके जब भी कोई एग्जामिनेशन होगा तो वहां पर आपको यूज करेगा, ठीक है। तो वो क्या है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले, ये है इसका शॉर्टकट बेटा, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये शॉर्टकट बना दिया बच्चों, ये यहां पर क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन, ठीक है, ये हो गया आपका साइन और ये हो गया कॉस और ये हो गया आपका टेन, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे रेशियोज हो गए। अब आपको पता है कि बेटा साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा होता है, ठीक है, थीटा मान लीजिए या ए लिख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और कोस का जो उल्टा होता है अपोजिट यानी रिवर्स होता है वो सेक थीटा होता है, और टेन का रिवर्स आपका कॉट होता है, ठीक है, टेन का रिवर्स आपका क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज हमारी यहां पर आ गई, तो ये एक इसका बेटा शॉर्टकट है जो आपको फ्यूचर में काम आएगा बच्चों, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से। चलो बेटा अब मैं इसको रख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने बात करी कि भाई हमारा साइन थीटा क्या होता है, तो देखो साइन थीटा क्या होता है बेटा, पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच होता है। अगर हमारा एक ट्राइंगल है, ये हमारा थीटा है और ये हमारा बी है और ये हमारा ए है, ये हमारा सी है और ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू आपको देखो रेशियो जो पीछे मैंने एक्सप्लेन किया था वो पी अपॉन एच इसका मतलब हमारा हो जाएगा बीसी अपॉन में एसी। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके से बाकी सारे रेशियोज को यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। अब हमारा जो है हम सबसे पहले जो है बच्चे क्या करेंगे कि जो है इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम जो भी इसके एंगल्स हैं बेटा ये एंगल्स कैसे डेवलप हुए, इनकी क्या वैल्यू है, उसके बारे में स्टडी करें।
चलो बच्चों, तो आगे देखते हैं यहाँ पर, ध्यान से समझेंगे जरा क्या है कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो बच्चों, टी रेशियो हम निकालेंगे 45 की एंगल के लिए। तो हमने क्या करा बच्चों, सबसे पहले हमने क्या करा, एक हमने ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें दो साइड क्या हो, बराबर, ठीक है। तो हमारा देखो AB बराबर किसके हो, BC के। लेट से मैंने इसको क्या लेट कर लिया बच्चों, मैंने इसको A लेट कर लिया। लेट से इसको मैंने क्या लेट कर लिया बच्चों, A लेट कर लिया दोनों, ठीक है। दोनों बराबर हो तो A लेट कर लिया, और एंगल भी हमारा क्या है 90 डिग्री, और ये कौन सा ट्राइंगल है बेटा, आइसोलेसिस राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम करेंगे अप्लाइंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी में। अब इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस क्या लगाएंगे बच्चों, थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है। हम इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके सामने वाली वैल्यू हाइपोटेन्यूज होती है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि भाई एसी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एबी का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस किसके बेटा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमें एसी क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो एक एबी की वैल्यू ए है तो इसका स्क्वायर लिख दिया मैंने, बीसी की वैल्यू क्या है ए है, साफ साफ दिख रहा है देखो, एबी एबी और बीसी क्या है ए है। तो एसी की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, ए स्क्वायर स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, और रूट से आपको पता है बेटा ए स्क्वायर बाहर आ जाता है, तो एक बाहर आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा रूट टू ए, ये क्या हो जाएगा आपका रूट टू ए, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू क्या हो गया बेटा, रूट टू ए, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है हमारा वो क्या हो गया बच्चों, वो हो गया रूट टू ए। यहां तक कोई डाउट बच्चों, ठीक है। अब एंगल्स निकालेंगे। अब देखो बच्चों ध्यान से समझिएगा, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी कि जो एंगल ए है और एंगल सी वो हमारा बराबर होगा, ठीक है। वो हमारा बराबर क्यों होगा बच्चों, वो हमारा बराबर इसलिए होगा कि बेटा वो हमारा बराबर इसलिए होगा इन आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल अपोजिट एंगल्स सॉरी अपोजिट साइड अपोजिट एंगल इक्वल ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट साइड। इसका मतलब यह है कि बेटा एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड बराबर हैं तो उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं जो एंगल होते हैं बराबर हो जाते हैं। इफ टू साइड्स आर इक्वल दिस एंड दिस देन दिस एंड दिस एंगल आर आल्सो इक्वल एंड आल्सो इक्वल, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बच्चों, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। ये आपका बेटा 9th क्लास में आपने सीखा है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में, ठीक। यहां तक आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलो बेटा आगे देखते हैं। अब देखो बेटा एंगल ए तो हमें नहीं पता, ठीक है, एंगल ए को हमने थीटा माना, थीटा लेट कर दीजिए, प्लस एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, एंगल सी भी क्या है हमारा थीटा है, दोनों क्या है बराबर, ठीक है, थीटा मैंने लेट कर रखा है वहां पर। तो अब 90 थीटा थीटा कितना होगा 2 थीटा, और ये हो जाएगा 180 माइनस 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा 90 बाई 2, तो कितना आ गया 45। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि एंगल ए और एंगल सी जो है वो दोनों कितना आ गया हमारा 45 आ गया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बच्चों, ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर आगे चलते हैं करते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां हमारे पास कंक्लूजन निकल गया कि हमारे पास जो बच्चों आई वैल्यू, ठीक है, एंगल्स की वो कितनी हो गई 45, एंगल्स की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है बच्चों। जब 45 एंगल की वैल्यू बच्चों आ गई है, ठीक है, तो अब यहां से एक कंक्लूजन अब हम आराम से रेशियो निकाल सकते हैं, यानी कि ये हमारा कितना हो गया बच्चों 45 हो गया, है ना। तो देखो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, और सोना चांदी तोले, ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने आपको बताया था बेटा कि जो हमारा साइन होता है, साइन एंगल हम क्या लिखेंगे 45 लिखेंगे, साइन एंगल तो 45 लिखेंगे ना, ए लिखेगा ए लिखो या 45 लिखो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो पहले ए लिख देते हैं,
साइन एंगल ए वो हमारा क्या होता है बेटा पी अपॉन में एच। पी हमारा क्या है अगर एंगल ये है तो पी हमारा क्या होगा बेटा बीसी। पी हमारा क्या होगा थीटा के सामने वाली जो वैल्यू होती है वो पी होती है। ये क्या है बेटा परपेंडिकुलर और ये है बेस और ये है आपका हाइपोटेनियस। ठीक है तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि एसी। अब मैं यहां पर एंगल की वैल्यू रख देता हूं साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा 45। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी बच्चों 45। ठीक है बीसी की वैल्यू कितनी बच्चों बीसी की वैल्यू देखो ए है और एसी की वैल्यू रूट टू ए है तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया तो साइन 45 की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसमें कोई डाउट बच्चों? ठीक है अब हम इस तरीके से कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं पहले आ गई तो कॉस ए क्या होगा हमारा बी अपॉन में एच। बी अपॉन में एच मतलब कि ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है और एंगल ए क्या है हमारा 45 है और ए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास देखो बच्चों ए बी की वैल्यू क्या है ए है। ठीक है ए बी की वैल्यू यहाँ पर लिख दो साइड में चाहे ए बी इक्वल्स टू ए और बी सी इक्वल्स टू ए और ए सी इक्वल्स टू रूट टू ए। ठीक है तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है ए है और ए सी की वैल्यू रूट टू सॉरी रूट टू ए है तो ए से यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया ये हमारा आ गया रूट टू। ठीक है तो कॉस 45 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई बच्चों तो यहाँ तक कोई डाउट बच्चों सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। अब तीसरी वैल्यू निकालते हैं बच्चों टेन वाली तो टेन हमारा क्या होता है बच्चों देखो टेन होता है पी अपॉन में बी पी यानी कि बी सी अपॉन में ए बी बी सी अपॉन में ए बी। तो देखो टेन ए की जगह हम क्या रखें 45 रखें तो दोनों की वैल्यू क्या है ए ए है तो ए ए से कैंसिल आउट होगा क्या आ गया हमारे पास ये आ गया हमारा वन। टेन 45 की वैल्यू हो गई वन। अब आपको मैंने पीछे बताया था बेटा कि टेन ए जो होता है वन अपॉन में क्या होता है बेटा कोट ए होता है ना तो यानी कि कॉट ए जो है वो हमारी टेन ए की वैल्यू क्या है टेन मतलब कॉट 45। ठीक है तो टेन 45 की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे लिखो जरा टेन 45 है ना तो वो वन है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई वन हो गई। सिमिलरली ऐसे ही बेटा हमारा कोसेक देखो जरा कोसेक 45 होता है वन अपॉन में साइन 45 है ना तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हमारे पास साइन 45 की वैल्यू आपके पास आई है 1/√2 तो लिख लीजिए बेटा 1/√2 तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है ये वैल्यू यहाँ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ जाएगी तो कितना आएगा बच्चों √2। अब आया था आपका sec 45 ये होता है 1/√ में cos 45 बच्चों। ठीक है अब इसकी वैल्यू भी क्या है 1/√2 है तो √2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा यानी कि √2 आ गया। ठीक है ये चीज समझो बच्चों मैं अभी आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ देखो a बाई डी और c बाई डी। ठीक है ये इस तरीके से होता है जो c होता है वो यहाँ जाता है और d जो होता है वो यहाँ जाता है तो वही करा मैंने देखो इसके ये वन बाई रूट टू था तो कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 है अगर कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या होता है 1 होता है तो ये 1 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 1 1 जवान और ये √2 √2 √2। ठीक है सेम इस तरीके से बच्चों ये भी देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ये वैल्यू यहाँ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ जाएगी इस तरीके से बेटा मैंने सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 45 एंगल पे 45 डिग्री पे हमने वैल्यूज निकाल ली तो मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ गया बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है देखो बच्चों अब जो हम निकालने जा रहे हैं वो हम निकालेंगे बच्चों अब जो हम निकालने जा रहे हैं वो हम निकालेंगे बच्चों टी रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 30 एंड 60। ठीक है बच्चों तो ध्यान से समझेंगे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हम क्या करेंगे सबसे पहले कंसीडर एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि उसकी सभी साइड क्या होंगी बेटा इक्वल होंगी। इक्विलेटरल को हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज क्या बोलते हैं बेटा समबाहु त्रिभुज। ठीक है तो हमने लेट्स से सभी की साइड जो है हमने क्या मान लिया बच्चों कि ए बी और बी सी और आपका ए सी की वैल्यू क्या है ए है ए मीटर या कुछ भी सेंटीमीटर जो आपको दिख रहा है वो मान लीजिए। ठीक है उसके बाद यहाँ पर हम बेटा क्या करेंगे उसके बाद यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बच्चों कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि हम ए डी को परपेंडिकुलर डालेंगे किस पे बेटा बी सी पे एडी को परपेंडिकुलर डालेंगे किस बच्चों बीसी पे। ठीक है अब हम उसके बाद क्या करेंगे बच्चों अब हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ठीक है ए डी सी। ठीक है तो यहां पर देखो बच्चों एडी क्या है कॉमन दिख रहा है आपको साफ साफ ये क्या है बच्चों कॉमन है। ठीक है एडी क्या है कॉमन है। ठीक है और एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी ये क्या है बेटा 90 डिग्री है
ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिखो बराबर है तो बाय ईच 90, बाय ईच क्या है 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया ए बी, सॉरी ए बी डी, ए बी सी, उसमें क्या लिया बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ए डी सी ए डी बी दोनों क्या है 90 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिया कि भाई ये हमारा क्या है बराबर है, ए डी क्या है कॉमन है, ए डी क्या है हमारे पास कॉमन है। ठीक है, और उसके बाद देखो बेटा ए बी बराबर है किसके, ए सी के, ये तो हमें गिवन था क्योंकि हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इससे हमारा ये प्रूफ हो गया बेटा कि ट्राइंगल ए बी डी जो है वो हमारा कंकरेंट हो गया बेटा। ये कंकरेंट चीज क्या होती है, ये जो कंकरेंट है बच्चों, ये आप 9th क्लास में चैप्टर 7-9 एंगल में सीख चुके हैं कि जब दो ट्राइंगल हमारे कंकरेंट किस तरीके से होते हैं, क्या ये कंडीशन होती है। तो ये हमारे क्या हो गया बेटा, कंकरेंट हो गए ट्राइंगल ए बी सी। अब ये बाय आरएचएस क्राइटेरिया, ठीक है, यानी कि राइट हैंड आरएचएस क्राइटेरिया जो है हमारा यहाँ पर राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड क्राइटेरिया, जिसके अंदर हमारा एक एंगल जो है 90 डिग्री का हो और दो साइड बराबर हो, तो हमारा ये कंकरेंट हो गया बच्चों। जब ये कंकरेंट हो गया बच्चों तो क्या बीडी बराबर इसके नहीं हो जाएगा आपका डीसी के, ये हो जाएगा बेटा बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, इसको बोलते हैं बेटा कंकरेंट पार्ट्स ऑफ, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल ट्राइंगल, इसका मतलब ये है कि सर्वांगसम त्रिभुज, कंकरेंट को सर्वांगसम होते हैं हिंदी में, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, संगत भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो इससे बेटा ये कंक्लूजन निकला कि BD और BC जो है वो A बाय 2 है। जब भाई टोटल A है तो आधी आधी हो गई, दोनों बराबर है तो इसका मतलब आधी आधी हो गई। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर A बाय 2 इसको लिखा है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों कि ये A बाय 2 कहाँ से आया। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलते हैं बच्चों। ठीक, अच्छा, उसके बाद अगर ये क्लियर हो गया तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, मैं रख लूं इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो बच्चों, अब हम ध्यान से, अब हम क्या करेंगे इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी में अप्लाइंग, ए बी डी में अप्लाइंग क्या, ऑलवेज हमें पता है हमारा टू मंथ पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्या थ्योरम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो बच्चों, जब ये हमारा 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली वैल्यू क्या होगी बेटा, हाइपोटेनियस होगी, इसके सामने वाली वैल्यू क्या होगी बेटा, हाइपोटेनियस होगी। तो ए बी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ध्यान से देखो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमें पता है क्या है बच्चों, ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बी डी की वैल्यू क्या है बेटा ए बाय टू है। अच्छा, हमें ए डी निकालना है बच्चों, हमें क्या करना है ए डी निकालना है। तो ये ए डी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर बाय फोर, ठीक है, इजिकल्स टू ए डी, और ये इधर क्या चढ़ जाएगा बच्चों रूट चढ़ जाएगा। तो AD की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बच्चों, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा बेटा 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन में, ये माइनस है बच्चों, ठीक है, a स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये देखिए ये आ जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन में 4, ये हो जाएगा AD। ठीक है, तो AD की वैल्यू जो है हमारी ये पूरे में रूट है, देखो स्क्वायर से हमारा क्या आ जाता है, सॉरी रूट से क्या आता है स्क्वायर बाहर आ जाता है, यानी कि 4 है तो उसको 2 इंटू 2 लिखेंगे तो बाहर आ जाएगा और ये ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा रूट 3 बाई 2 ए। यहां तक कोई डाउट बच्चों, ये एडी की वैल्यू होगी, ये एडी की हमारे पास वैल्यू आ गई, क्या आ गई बच्चों रूट 3 बाई 2 ए। ठीक है, एडी की वैल्यू हो गई। ठीक है बच्चों, इतना स्क्रीन छोड़ लें फिर आगे चलते हैं बच्चों, यहां तक कोई डाउट, ठीक है, इतना स्क्रीन छोड़ लें आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों, अब उसके बाद ध्यान से देखें, अब बेटा इसके बाद एंगल की बात करते हैं इस ट्राइंगल में। तो देखो बच्चों, अगर ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल बी की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा 60 डिग्री है और ये 90 है, तो हम क्या करेंगे बच्चों इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी इसका 180 डिग्री होगा, इसका 180 डिग्री होगा, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, या सम ऑफ प्रॉपर्टीज लिख लो। ठीक है, ये हो गया बेटा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, त्रिभुज के सभी कोणों का 180 होता है। ठीक है, तो देखो बी की वैल्यू हमारे पास 60 है, साफ साफ देखा है, और बी ए डी, बी ए डी ये हमें क्या करना है निकालना है बच्चों। ठीक है, और हमारे पास ये देखना है 90। ठीक, तो यहां तक कोई डाउट, तो एंगल बी ए डी जो है कितना आ गया बच्चों 180 माइनस 150, तो कितना आ गया आपका 30 डिग्री।
तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन ये निकला बच्चों कि ये वाली जो वैल्यू आई है कितनी आ गई बच्चों 30 आ गई, ये वाली वैल्यू जो आ गई थी हमारे यहाँ पे 30 आ गई। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों, सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम जो है टी रेशियो निकालेंगे किसका, हम जो है टी रेशियो निकालेंगे किसका बच्चों, 60 डिग्री एंगल का। टी रेशियो किसका निकालेंगे बच्चों, 60 डिग्री एंगल का, ठीक है। तो 60 डिग्री एंगल का रेशियो निकालेंगे तो हम क्या लेंगे पहले ट्राइंगल, ठीक है, ए बी डी। तो देखो जरा यहां से देखें, अगर हम साइन 60 लिखते हैं, बच्चों तो उसके सामने वाली देखो, मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले, है ना। तो देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हमारा ये थीटा है तो ये क्या है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये हमारी हाइपोटेनियस, ये वाली हमारी हाइपोटेनियस है, उसको मैं लिख देता हूँ दूसरे मान से, एक मिनट को, ये हमारी अगर ये थीटा है तो ये हमारी हाइपोटेनियस हो गई, और ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई, और ये हमारी हो गई क्या बेस हो गई, ये वाली साइड हमारी क्या हो गई बच्चों, बेस हो गई, ठीक है बच्चों, यहाँ तक का डाउट। तो जब ये चीज हमें पता लग गई तो साइन 60 क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, इसका मतलब वो हो जाएगा एडी अपॉन में एबी, ठीक है। और एडी की वैल्यू आपको पता है बेटा रूट 3/2 अपॉन में ए, और एबी की वैल्यू हमें पता है बच्चों, एबी की वैल्यू हमारे पास कितनी है ए है। तो देखो ये वैल्यू यहां जाएगी और ये वैल्यू यहां जाएगी, है ना। तो साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 3 से ए से ए कट गया, हमारा क्या आ गया बेटा रूट 3/2। तो यानी साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया बच्चों रूट 3/2 आ गई, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया बच्चों रूट 3/2 आ गई। इस तरीके से हम कॉस 60 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो कॉस 60 की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो क्या होती है बेटा बी अपॉन में एच बेस, ठीक है, बेस कितना है बीडी, बीडी अपॉन में ए बी, ठीक है, और बीडी की वैल्यू कितनी है बेटा ए बाई टू, है ना, और ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों ए। तो देखो मैंने क्या कहा था, ये वाली वैल्यू यहां जाती है, ये वाली वैल्यू यहां जाती है, तो कॉस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों ए अपॉन में 2 into a, ए से ए कैंसिल आउट कितना आ गया 1/2, ए से कैंसिल आउट कितना आ गया 1/2, ठीक है। यहां से कोई डाउट बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से बेटा हमारा क्या निकालेंगे, टेन का निकालेंगे, किसका निकालेंगे बच्चों टेन का निकालेंगे, किसका निकालेंगे टेन का। तो देखो जरा टेन 60 क्या होता है बच्चों, टेन 60 है ना, टेन क्या होता है पी अपॉन में बी, यानी कि हमारे पास ए डी अपॉन में कितना आएगा बी डी, ठीक है। तो टेन 60, ठीक है बच्चों। तो देखो AD की वैल्यू कितनी है बच्चे रूट 3/2 इंटू ए अपॉन में BD की वैल्यू A बाई 2। तो मैंने क्या बताया बच्चों, ये वाली आती है, ये वाली यहाँ आती है बच्चों वैल्यू, ठीक है, ये चीज समझो तो बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट 3/2, ठीक है, तो इंटू ए इंटू 2, ये 2 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 into a, है ना। तो देखो a से a कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्लियरली मेंशन हो गया कि टेन 60 क्या है हमारे पास रूट 3 है बच्चों, टेन 60 हमारे पास क्या है रूट 3 है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो बच्चों तो ये चीज स्क्रीनशॉट लें इसका। अच्छा अब उसके बाद बच्चों ये क्या है, इसका रिवर्स मैंने आपको बताया था कि आपको क्लियरली मेंशन हो गया कि बेटा कोसाइन का जो रिवर्स हो जाएगा वो साइन का रिवर्स होता है, साइन और कोसेक आपस में रिवर्स फंक्शन होते हैं। तो देखो साइन की वैल्यू हमारी रूट 3/2 आएगी तो कोसेक की क्या आएगी 2/√3, ठीक है, वो मैं एंगल से आप ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर साइन कोस टेन, ये हो जाएगा हमारा कोसेक, और ये हो जाएगा हमारा सेक, और ये हो जाएगा हमारा कॉट, इससे भी आप निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है। तो अब दूसरा जो होगा हमारा टेन कॉट जो होगा, ठीक है, कॉट 60 वो क्या हो जाएगा बच्चों √3। अब हमारा जो sec 60 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 2, sec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी, ठीक है, sec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी। यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों देखते हैं, अब हम टी रेशियो ऑफ 30 निकालते हैं, टी रेशियो ऑफ हम क्या निकालते हैं बच्चों 30 निकालेंगे, टी रेशियो ऑफ हम 30 निकालते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों, टी रेशियो ऑफ हम 30 निकालेंगे। तो यहां पर ध्यान से समझेंगे बच्चों क्या होगा, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। अब यहाँ पर जो जब बेटा एंगल हमारा 30 ये हो जाएगा तो हमारा बेटा मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये बोला था कि अगर हमारा एंगल ये है तो इसके जो सामने वाली वैल्यू है ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगा पी, और ये जो हमारा पी था ये हो जाएगा बी, ठीक है, बेस बन जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर ये चेंज होगा बच्चों, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो 30 का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन 30 लिखेंगे, साइन 30 लिखेंगे।
ठीक है। तो साइन 30 हमारा देखो क्या होता है पी अपॉन में एच, तो पी हमारा क्या है इस कंडीशन में बीडी है बेटा, पी हमारा क्या है बीडी है और एच क्या है हमारा ए बी, ठीक है। तो बीडी की वैल्यू कितनी है बेटा देखो ए बाई टू, बीडी की वैल्यू कितनी है हमारी ए बाई टू और ए बी की वैल्यू ए, है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ और ये वैल्यू यहाँ, तो साइन 30 इज इक्वल टू कितना ए अपॉन में 2a, तो a से a कैंसिल आउट 1 बाय 2, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब आपका आता है बेटा ऐसे ही cos 30, तो cos 30 क्या होगा पी बी अपॉन में एच, तो यानी कि हमारा हो जाएगा बेटा ए डी अपॉन में ए बी, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू हमारे पास रूट 3 बाई 2 इंटू ए अपॉन में ए बी की वैल्यू ए, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ जाएगी वैल्यू और ये यहाँ जाएगी, तो ए से सिंपल सी बात में यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा रूट 3 बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों सभी को समझ आ रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से बेटा हम tan 30 की निकालेंगे, तो tan 30 की क्या होगी बच्चों tan 30 हो जाएगी p बाई बी, तो वो हो जाएगा बी डी अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा ए डी, ठीक है। बी डी अपॉन में ए डी, ये p है ये परपेंडिकुलर ये बेस, ठीक है। तो tan 30 तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा ए डी, बी डी की वैल्यू कितना ए बाई टू और ए डी की वैल्यू कितनी रूट 3 बाई 2 ए, ठीक है। तो tan ये हो गया हमारे पास 30, यहां तक कोई डाउट बच्चों, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा देखो यहाँ पर आपको हो जाएगा 2a है ना, और नीचे भी 2a और ये हो जाएगा रूट 3, तो 2a से 2a कैंसिल आउट, तो हमारे कितना हो गया बच्चों tan 30, तो tan 30 क्या हो गया हमारे पास 1/√3, tan 30 क्या हो गया हमारे पास 1/√3। यहां तक कोई डाउट बच्चों सभी के मन में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कोई शंका है कोई दिक्कत है तो बताएं। तो ये हमारा बेटा क्या हो गया tan 30 के तीन वैल्यूज हो गए। अब बेटा जो बाकी है इसके रिवर्स होते हैं, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखो बाकी जो है हमारा क्या होता है बेटा इसका रिवर्स होता है ना। अगर हम बात करें बच्चों किसकी बाकी हम जो बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं बच्चों की cosec 30 की, cosec 30 की तो वो हमारा साइन का रिवर्स होता है, तो एच अपॉन में भी होगा वो, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 आई थी तो उसका रिवर्स, ठीक है बच्चों उसका रिवर्स। मैं एक करके दिखाता हूँ, चाहे देखो एच अपॉन में पी, एच क्या है हमारे पास बेटा ए बी अपॉन में पी, पी क्या है बेटा ए बाई बी डी, बी डी लिख देते हैं हमें बी डी, ठीक है। तो ए अपॉन में ए बाई टू, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है, ये वैल्यू यहाँ और ये वैल्यू यहाँ, तो क्या होगा बच्चों ए अपॉन में टू अपॉन में ए से एक कैंसिल आउट टू अपॉन में, तो इस तरीके से सारी वैल्यू आ जाएगी हमारा, ठीक है। अब हमारे पास जो कॉट है बेटा, तो tan 30 की वैल्यू कितनी थी हमारी 1/√3, तो cot 30 की √3, ठीक है। ऐसे ही हो कि बेटा cos sec sorry sec 30, sec 30, तो sec 30 कितनी थी sorry cos 30 की आपकी थी √3/2, तो sec 30 की हो जाएगी 2/√3, उसका रिवर्स, सबका मैंने रिवर्स कर दिया बच्चों, ठीक है। तो अगर तीन वैल्यू याद कर सकते हैं आप, अगर आपने तीन वैल्यू याद करी तो बाकी का तीन का रिवर्स कर दो, आपका इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलते हैं। अब हम बच्चों क्या करेंगे, हमारे पास जो है टी रेशो देखो कौन कौन से आ चुके हैं हमारे पास बच्चों। अब हमारे पास जो है इसकी जरूरत नहीं है ट्राइंगल की, ठीक है। अब हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास टी रेशो कौन कौन से निकल गए देखो बच्चों। अब ये निकल गया हमारे पास 30 आ गया, 40 आ गया एंड 60 आ गया। अब हमारे पास दो रेशो बचे बच्चे, एक तो हमारा 0 एक हमारा 90, तो हम क्या करेंगे, हम टी रेशो निकालेंगे 0 डिग्री का। टी रेशो किसका निकालेंगे बेटा 0 डिग्री का। तो वहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे बेटा एक हम ट्राइंगल लेंगे सबसे पहले कंसीडर, ठीक है, कंसीडर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल बी इज 90 डिग्री। जैसे हमने ये ट्राइंगल लिया आपका, मान लीजिए ठीक है ए बी और सी, एंगल बी हमारे कितना है 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बी हमारे कितना बेटा 90 डिग्री, यहाँ तक कोई डाउट, एंगल बी हमारे कितना बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बेटा इस कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों, अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे कि जो वर्टेक्स हमारा बी है, ठीक है, जो हमारा क्या कहते हैं जो एसी है, ठीक है, जो हमारी एसी है, हम क्या करेंगे बेटा एसी साइड को, हम देखो एंगल हमारा क्या है 0 है,
यानी कि अगर थीटा की वैल्यू जीरो कब पॉसिबल होगी, थीटा की वैल्यू जीरो कब पॉसिबल होगी, जब ये वाली लाइन देखो इस तरीके से आ जाएगी, ये वाली लाइन एकदम इसके ऊपर आ जाए, एबी के ऊपर आ जाए, तो हमारे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमारा यानी एंगल किस तरीके से बनेगा, देखो ये हमने ऐसे बनाया तो हमारा जो एंगल इस तरीके से बन जाएगा, देखो बेटा डॉट 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 ये लाइन मैंने खींची, सॉरी ये हमारा पुराना पोजिशन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए सी और बी, ठीक है, और ये हमारी सी डैश पहले वाली। उसके बाद थोड़ा सा और हम इसे देख आएंगे नीचे, ठीक है, हम क्या करेंगे एंगल को जीरो करते जा रहे हैं बेटा, यानी कि एंगल पोजीशन को हम क्या कर रहे हैं बेटा और नीचे ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा डॉट डॉट ए बी सी, एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जब हम क्या करेंगे बेटा, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, और ये डॉटेड और ये पूरी ये वाली जो लाइन है एसी की यही आ गई, एसी की लाइन कहां जाएगी, यहीं पे आ जाएगी, ठीक है, एसी की लाइन कहां से आ जाएगी, यहीं पे आ जाएगी। तो हमारा जो एंगल थीटा, देखो ये वाला जो थीटा था, ये अब इस कंडीशन में क्या हो गया, थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जीरो होगी, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी, इसका मतलब यानी कि जो साइन ए है, साइन ए वो क्या होता है बच्चों, पी अपॉन में एच होता है ना, पी अपॉन में एच होता है। अगर ये थीटा है तो ये होता है हमारा पी, ठीक है, और ये होगा हमारा बेस और ये होगा हमारा एच, है ना। अगर तो वो देखो साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होगी, तो देखो एक बात सोचो जरा कि जो परपेंडिकुलर तो हमारा खत्म ही हो गया, परपेंडिकुलर तो जरा ये वाली जो परपेंडिकुलर वैल्यू थी वो तो रही नहीं, परपेंडिकुलर कहां रहा यहां पर, ठीक है। चलो मैं फिर भी लिख देता हूं, परपेंडिकुलर अगर हमारा ट्राइंगल बनता तो वो क्या होता बच्चों, बीसी अपॉन में एसी, बीसी अपॉन में एसी, है ना। अब ये बनता हमारा, बट यहां पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन हो रहा है कि भाई बीसी अपॉन में एसी, तो हमारा एसी जो है, देखो अब एक चीज यहाँ पे साफ साफ हमारा मेंशन हो गया बच्चों कि एसी जो है वो क्या हो गया बच्चों, एबी के बराबर हो गया। इस कंडीशन में देखो एसी किसके बराबर हो गया, एबी के बराबर हो गया ना, क्लियर दिख रहा है कि एसी जो है वो एबी के बराबर हो गया। ये वाली लाइन जब हमारी नीचे चलती गई इसके ऊपर आगे ओवरलैप हो गई, तो एसी एबी के बराबर हो गया, और बीसी की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, बीसी की वैल्यू हो गई जीरो, बीसी की वैल्यू क्या हो गई जीरो, क्योंकि वो तो लाइन रही नहीं, वो हमारा परपेंडिकुलर तो हमारा फिनिश खत्म, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, साइन जीरो, ठीक है, बीसी की वैल्यू जीरो, एसी तो कुछ भी जो भी लेंथ होगी तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहां तक कंक्लूजन निकल गया हमारा कि एक एंगल आ चुका है बीसी इक्वल टू जीरो। अब उसके बाद हम देखेंगे बेटा कॉस, कॉस जीरो, कॉस जीरो देखो बेटा बी अपॉन में एच, है ना। तो बी देखो एबी अपॉन में, एबी अपॉन में एसी, और मैंने क्या कहा बेटा एबी और एसी क्या है बराबर है, तो यहाँ पे क्या जाएगा वन अपॉन में वन, मान लो दोनों बराबर ही है, चलो वन मत लो, आप एक काम करो एसी को एबी लिख दो, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, वन हो गई, कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, वन हो गई। तो यहां तक समझ में आ गए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे देखेंगे किसको, आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम टेन जीरो देखते हैं बेटा, टेन जीरो देखते हैं, टेन जीरो, नाइनटी नहीं, टेन जीरो डिग्री। तो टेन देखिए पी अपॉन में एच, पी एफ सॉरी पी अपॉन में बी, तो पी परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है बीसी अपॉन में एबी, बीसी अपॉन में एबी, ठीक है। अब हमारी हमें पता है कि बीसी की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, बीसी की वैल्यू क्या है जीरो है, ठीक है। तो टेन यहाँ पे जीरो डिग्री क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन में एबी, एबी की कोई भी लेंथ हो मैं उससे फर्क नहीं पड़ता, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करो तो क्या आएगा जीरो डिग्री आएगा। टेन जीरो की वैल्यू क्या होगी हमारी जीरो, टेन जीरो की वैल्यू क्या होगी हमारे पास जीरो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ आ गया, ठीक है। अब इसका रिवर्स कर देते हैं, तो ये सारे तो निकल गए, अब इसका हम रिवर्स करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा, इसको रब कर दूं, ठीक है। तो देखो अब इसका अगर हम रिवर्स कर दें तो अभी हमारा कंक्लूजन निकला कि बेटा देखो जरा, अगर हम कॉसेक जीरो की बात करें जाए, कॉसेक जीरो देखो वन अपॉन में साइन होता है, वन अपॉन में साइन जीरो के बराबर होगा, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होता है, साइन जीरो जीरो होता है। तो देखो वन अपॉन में जीरो होता है इन्फिनिटी, या फिर इसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। एनीथिंग अपॉन जीरो, एनीथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड होता है बेटा, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। एनीथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी छोड़ो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है, इन्फिनिटी अलग चीज है, मैं आपको बताऊंगा इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में क्या फर्क है, ठीक है। वैसे इन्फिनिटी का मतलब होता है बेटा बहुत ही दूर तक वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू है, समथिंग इज है, मान लो जैसे मैंने काउंटिंग स्टार्ट की वन से लेकर काउंट करता गया अनगिनत तक, मतलब कोई वैल्यू होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी, मगर नॉट डिफाइंड का मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है।
ठीक है, नॉट डिफाइंड का मतलब कोई वैल्यू हुई नहीं है, ठीक है। चलिए यहां तक कोई डाउट? अच्छा, दूसरी की बात करें, अगर हम cot 0 की बात करें तो देखो tan 0 क्या था, 1 अपॉन में tan 0 आएगा, ठीक है, और tan 0 क्या था, 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइंड। अब हमारा sec 0 की बात करें तो देखो ये 1 अपॉन में cos 0 के इक्वल होगा और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 थी, तो ये भी क्या देगी, 1 आ जाएगी, ठीक है बच्चे, यहां तक समझ में आ गया। तो टी रेशियो ऑफ 0 हमारे निकल चुके हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे बेटा किसका, टी रेशियो हम निकालेंगे बेटा 90 डिग्री का, किसका निकालेंगे बच्चों, 90 डिग्री का। तो बेटा 90 डिग्री का जब हम रेशियो निकालेंगे तो यहां पर जो है थोड़ा सा और चेंज करेंगे। अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों, अब इस कंडीशन में हमारा देखो 90 एंगल कब बनेगा, देखो ये थीटा की वैल्यू 90 कब होगी, जब देखो जरा, जब ये थीटा की वैल्यू 90 कब होगी, जब ये वाली, ये वाला को जो वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स ऐसे खींच सकता है, देखो ऐसे खींच सकता है, खींच सकता है, सीधा हो जाए, यानी कि 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये देखो ट्राइंगल अगर मैंने बनाया, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने ऐसे ले लिया, अब ये डॉटेड पहला वाला है, ठीक है, पहले एक स्टेट इसकी, इसकी फर्स्ट स्टेट ए, सॉरी ये हो गया हमारा सी, ये हो गया बी और ये ए, अगला स्टेट क्या होगी इसकी, और थोड़ा पास जाएगा ये, ठीक है, ये डॉटेड लाइन, ठीक है, ये ए पॉइंट यहाँ खिसक गया बच्चों, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सी और ये हो जाएगा बी, ये 90 डिग्री है ये, ठीक है। लास्ट स्टेज में क्या होगा बच्चों कि ये जो है, देखो जरा यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये डॉटेड हो गया, ठीक है, ये भी डॉटेड हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये बी हो गया, और ये ए पॉइंट जो है वो यही आ गया, यानी कि इससे हमारा कंक्लूजन निकला कि भाई बी सी जो है, जो बी सी है, ठीक है, वो किसके बराबर हो गए बच्चों, जो बी सी है वो किसके बराबर हो गए बच्चों, वो ए सी के बराबर हो गई, जो BC है वो AC के बराबर हो गई, और AB की वैल्यू क्या हो गई, 0, AB तो रहा ही नहीं कुछ, जो AB की लेंथ थी वो तो रही नहीं कुछ, वो तो यहाँ पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गई, ठीक है बच्चों। तो BC बराबर किसके हो गया बेटा, AC के बराबर हो गया, ठीक है, BC बराबर जो हो गया वो AC के बराबर, ये AC है तो उसके बराबर हो गया, और हमारे पास जो AB है वो 0 हो गया, यहां तक कंक्लूजन समझ में आ गया बच्चों। चलो तो अब हम एक काम करेंगे, अब हम वैल्यू निकालते हैं, सिर्फ कर दो, ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम वैल्यू हमें निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने ये बताया बच्चों कि जो हमारा ए बी, क्या बताया मैंने कि जो बी सी है वो किसके बराबर हो गया बेटा, ए सी के बराबर हो गया, और ए बी की वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो देखो पहला एंगल, अगर हम साइन 90 की बात करें तो साइन 90 क्या होता है बेटा, पी बाई एच होता है। तो पी देखो क्या है, अगर हमारा थीटा ये था, है ना, उसके सामने वाला पी था, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए सी, है ना, और दोनों बराबर है, तो BC और AC की जगह मैं BC रख देता हूं, कैंसिल आउट हो गया 1, है ना। अब देखो दूसरा क्या होता है, cosec 90 इसका रिवर्स होता है sin 90 का, ठीक है बच्चों, ये 1/1 क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तीसरा एंगल अब हम निकाल लेंगे cos 90, cos 90 देखो जरा ध्यान से समझो, वो क्या होता है, b/h, ठीक है। तो देखो b बेस क्या है हमारे पास, AB है, वो तो खत्म ही हो गई, ठीक है, AB है कौन में, b/h AC, है ना। तो AB की वैल्यू तो क्या होगी इस कंडीशन में, AB की वैल्यू क्या होगी, 0, वो तो खत्म हो गई अभी हमने बताया, और AC तो क्या हो गया हमारा, 0। अब हम बात करते हैं sec 0 की, वो 1 अपॉन में, सॉरी sec 90 की, sec 90 1 अपॉन में cos 90 के बराबर होगा, और ये 1 अपॉन 0, तो एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइन होता है, एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइन होता है। अब आते हैं हम बेटा यहाँ पर tan 90 की, tan 90 क्या होता है, पी अपॉन में बी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, बीसी अपॉन में एसी, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बीसी अपॉन में एबी, बीसी अपॉन में एबी, ठीक है। तो बेटा देखो बीसी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बीसी की वैल्यू है मतलब बीसी कुछ वैल्यू होगी, बट एबी आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा कि एबी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो मैंने कहा बीसी की अगर कोई भी वैल्यू हो, बीसी की अगर कोई भी लाइन, तो 5, 10, 20 कुछ भी हो, तो एनीथिंग अपॉन 0 क्या बताता है बच्चों, नॉट डिफाइंड, एनीथिंग अपॉन 0 क्या बताता है बच्चों, नॉट डिफाइंड। और जो हमारा cot 90 होगा वो 1 अपॉन में tan 90 होगा, 1 अपॉन में tan 90 होगा, जो cot 90 होगा बेटा 1 अपॉन में tan 90 होगा, तो 1 अपॉन में, ठीक है, ये देखो ND नॉट डिफाइंड यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड का मतलब था ना कि BC अपॉन में 0, ठीक है, और ये 0 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो 0 अपॉन में BC, यानी कि इसके
इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, मैं एक बार ये दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, देखो बच्चों मैंने क्या बोला, ठीक है, मैंने ये कहा कि भाई जो cot 90 है हमारा 1/10 होता है, ठीक है, और 1090 की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, वो है BC upon में 0, है ना, तो कुछ नहीं था उसके नीचे 1 है, तो BC यहाँ जाएगा 0 यहाँ जाएगा, तो 0 upon में BC हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने सारे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया किस तरीके से डेवलप होते हैं। अब हम बात मतलब नॉर्मल तरीके से हम देखें कि इसकी टेबल कैसे बनाते हैं, तो अब हम वो देखेंगे बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लें पहले, फिर हम टेबल बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों कैसे करेंगे, इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ध्यान समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप बेटा इसको 0, 1, 2, 3 और 4 लेंथ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला स्टेप क्या है, इस नंबर को सबको 4 से डिवाइड मार देंगे, सबको 4 से क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे बच्चों। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। जो कि बेटा मेथड नहीं है, कोई पेपर का क्वेश्चन नहीं आने वाला, बस मैं बता रहा हूं आपको कैसे लर्न करना है। ठीक है, अब हम उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका बेटा रूट ले लेंगे सबका, क्या ले लेंगे बच्चों, रूट ले लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे बच्चों, रूट। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा हमारा √3/4, ये हमारा 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब जब हमारा इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, हाफ, और ये रूट से बाहर आएगा तो ये क्या, सॉरी हाफ क्या, देखो भाई 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो तो क्या आता है, 0। अब ये रूट से बाहर आ जाएगा तो हाफ हो जाएगा, देखो ये ऐसे हो जाएगा, ये 1/2 × 2, तो रूट से बाहर आएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी ना। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब इसको लिखेंगे 1/√2, 1 पे रूट तो 1 ही होगा, इसे 1/√2, और इसे लिखेंगे √3/2, क्योंकि ये रूट से बाहर आ गया, और √1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां से कंक्लूजन निकला कि ये जो वैल्यू आई बेटा हमारी किसकी आई, ये साइन थीटा की आई, किसकी वैल्यू आई बेटा, साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, 0 1/2 इतना। अब हम अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होगा बच्चों, रिवर्स कर देंगे इसको, बस क्या करेंगे इसको यहां पहुंचाएंगे। ठीक है, ये यहां आ जाएगा और ये √3/2 यहां आ जाएगा, 1/√2 एज इट इज उतरेगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 और ये 0 कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखो आपके पास ये वैल्यूज आ गई है, जो मैंने अभी आपको प्रूफ कराई थी वो सारी वैल्यूज आपके सामने है। ठीक है बच्चों, अब लास्ट जो है बेटा 10 का तो कैसे होगा बच्चों, अब 10 का मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, 10 थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो इन वैल्यू को क्या कर दो बेटा, सबको डिवाइड कर दो। देखो 0/1 क्या आएगा, 0। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो जरा ध्यान से, 1/2 √3/2, तो ये वैल्यू यहां जाएगी, ये वैल्यू यहां जाएगी, है ना। तो क्या होगा बच्चों, तो इसको देखो, ये मैं ऐसे लिख के दिखाया था, यहां पर थोड़ा सा ये वैल्यू ऊपर जाएगी, तो देखो यहां पर क्या है, 1/2, ठीक है, √3 यहाँ आ जाएगा और 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा कितना, 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 1/√3। अब ये दोनों सेम सेम है, कट के क्या हो जाएगा, 1। अब ये जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा √3, और ये देखो एनीथिंग अपॉन में जीरो क्या होता है, एनडी नॉट डिफाइंड। तो यहां तक बेटा तीन वैल्यू हमारी सारी आ गई। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यू आ गई, अब बाकी की जो तीन वैल्यू है इसकी क्या होती है, रिवर्स। तो बाकी ये तो तीन वैल्यू होती है, इसकी क्या होती है, रिवर्स। ठीक है, अब मैं इसको एक पूरे टेबल में, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एक मैं पूरे टेबल में आपको लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, अब मैं यहां पर आपको एक पूरी टेबल बना दिया मैंने, अब इसको कैसे रन करना है एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान समझेंगे। सबसे पहले देखो साइन जीरो, सबसे शुरुआत से हम करते हैं, 0, साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0। फिर साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, हाफ। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 से थोड़ा आगे बढ़े। फिर हमने क्या करा, उस पर रूट चढ़ा दिया। फिर हमने क्या करा, थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, √3/2 लिए। फिर हमने पूरा होल तक पहुंच गए। ठीक है बच्चों, अब कोस में इसका रिवर्स, इस वाली वैल्यू को यहां लिखो, ठीक है, इस वाली वैल्यू को यहां लिखो, याद करने का तरीका है, और ये एज इट इज। ठीक है, ये वाली वैल्यू इधर, ये वाली वैल्यू इधर, और ये वाली वैल्यू इधर। टेन में मैंने भी आपको बताया बच्चों, टेन में मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों को डिवाइड मार दो तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये देखो, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3। इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, √3, और 1/0 होता है, एनडी नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉसाइन मैंने बताया था कि साइन का उल्टा होता है, तो ये 1/0 करोगे तो क्या आ जाएगा, एनडी आ जाएगा। तो भाई उल्टा करोगे ना तो 1/0 करोगे तो एनडी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो, अब हमारे पास इसकी वैल्यू
टू भाई, वन बाई टू का उल्टा क्या हो जाएगा टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रूट टू, इसका रिवर्स कर दो बस टू बाई रूट थ्री, ठीक है, इसका रिवर्स वन का रिवर्स तो वन ही आएगा, ठीक है। सेक का देखो कॉस का उल्टा, वन का उल्टा वन ही करोगे, ये आ जाएगा टू बाई रूट टू, ठीक है, ये भी रूट टू और ये क्या हो जाएगा बेटा टू, और देखो ये अब इसका उल्टा करोगे तो अब जैसे मान लो ये हो जाएगा जीरो है, जीरो अपॉन में, तो वन अपॉन में जीरो क्या हो जाएगा एन डी, वन अपॉन में जीरो क्या हो जाएगा एन डी, देखो इसको क्या लिखोगे जीरो अपॉन में वन है ना, तो अब आप क्या करोगे उल्टा, तो वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो क्या होता है बेटा एन डी नॉट डिफाइन, वन अपॉन जीरो क्या होता है बेटा नॉट डिफाइन। अब कोट को उल्टा करो, टेन को उल्टा क्या होगा बेटा वन अपॉन में जीरो, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन और ये हो जाएगा हमारा रूट थ्री, और ये वन का उल्टा करोगे तो वन ही आएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका वन बाय रूट थ्री और ये आ जाएगा आपका जीरो, ठीक है। यहां पर बराबर बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, ठीक, ये आपकी टेबल पूरी रेडी हो गई बच्चों, ये आपकी टेबल पूरी रेडी हो गई। इस तरीके से आपको ये टेबल जो वैल्यूज है जो आपको याद करनी है, ये आपका बेटा एक्सरसाइज 8.3 में आपकी काम आने वाली है, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने रिक्वेस्ट दे दी कि प्लीज आप लोग इस टेबल को अच्छे तरीके से लर्न कर लें बच्चों, ठीक है बच्चों। सभी को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या आपको लॉजिक शॉर्टकट भी बता दिया, प्रूफ करके भी दिखा दिया किस तरीके से होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आगे जो है और बच्चों तक ये पहुंच पाए, ठीक है। सभी को मेरा राम राम बच्चों। देखो बच्चों अब जो हम आगे करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे आपका जो है कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज के बारे में थोड़ा डील करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, ठीक है बच्चों। तो देखो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, ठीक है, ये 90 डिग्री है थीटा, बाकी हमारे ये जो है दूसरा भी हम निकालेंगे। तो मैंने क्या करा, कंसिडर ट्राइंगल लिया जिसमें बी 90 था, देखो ए बी सी के इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। अब यहाँ पर बी की वैल्यू 90 है तो जाके माइनस हो गया, तो देखो यहाँ पर देखो बच्चा अगर ए मैंने थीटा लेट किया है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, सी की वैल्यू एंगल सी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यहाँ तो कोई डाउट बच्चों, ये कितना आ गया हमारा 90 माइनस थीटा, ये कितना आ गया बच्चों हमारा 90 माइनस थीटा, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखो बच्चों यहाँ पर मैं कैसे रिलेशनशिप को बनाता हूँ, तो सबसे पहले इसे मैं रब कर दूंगा, ये चीज समझ में आ गई आपको सभी को, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा कि क्या मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जैसे कि अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, ठीक है, हमारा कहां पर एट ए पे, ए पे थीटा है, तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो हमें क्लियरली मेंशन दिख रहा है कि अगर इसके सामने जो है थीटा है तो ये पी होगा और ये बी होगा और ये एच तो फिक्स है, ठीक है। और अगर हम इसको लें बेटा 90 माइनस थीटा को, अगर हम एंगल लेते हैं सी वाले को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों पी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और एच तो एच है ही, ठीक है, एच इक्वल टू एच तो है ही, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, देखो ब्लू ब्लू से मैंने मार्क जो किया है वो आपका एंगल ए का है पी और बी, और जो मैंने रेड से मार्क किया वो एंगल सी का है, ठीक है बच्चों। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा पी बाई एच, पी बाई एच, तो देखो जब ये थीटा है तो पी कितना हमारे पास, देखो बी सी अपॉन में ए सी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर कॉस, यहां से देखिए बेटा 90 माइनस थीटा लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा यानी कॉस सी वाला एंगल ये, तो वो क्या होगा बेटा बी बाई एच, ठीक है। तो बी कितना है हमारे पास, देखो देखो बेस तो ये है ना इस वाले एंगल के लिए, ये एडजेसेंट साइड हो गई तो ये बेस हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों बी सी, ठीक है। और एच, एच हमारा क्या है बच्चों ए सी, ठीक है। यहां से देखो क्लियर हुआ आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर हमारा ये थीटा होगा तो इसके सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, इसके लिए, और ये क्या होगी बेस होगी, तो बेस कितना होगा हमारा बी सी और हाइपोटेनस कितना होगा हमारा ए सी, हाइपोटेनस फिक्स है बस, परपेंडिकुलर और बेस जो है वो बेटा इंटरचेंज होते हैं, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है। तो देखो यहां से साफ साफ दिख रहा है हमारे पास ये क्वेश्चन वन ये क्वेश्चन टू, तो आप क्या हो जाएगा यहां से क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर हो गया बेटा साइन थीटा के बराबर हो गया, या फिर हम इसे ऐसे नहीं ले सकते कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो हमारा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, जैसे ये हमारा आया वैसे हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो रिलेशनशिप दो फॉर्मूले हमारे बन गए, ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अच्छा उसी तरीके से हमारा क्या होगा, अब हम लेंगे किसको बच्चों, अब हम लेंगे आपका टेन sec थीटा को ले लेते हैं, ठीक है। तो sec 90 माइनस थीटा की बात करते हैं जरा एक बार, तो sec 90 माइनस थीटा देखो जरा, sec थीटा क्या है h अपॉन में b, तो h क्या है हमारे पास देखो बेटा ac अपॉन में बेस, बेस अगर ये वाला थीटा हमने लिया है तो बेस क्या हो जाएगा हमारा bc,
और हम इसी तरीके से कॉसैक की बात करें, कॉसैक थीटा, तो कॉसैक थीटा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एच अपॉन में भी होता है, तो एच अपॉन हमारा क्या है एसी और पी हमारा क्या है बेटा बीसी, ठीक है। तो देखो यहाँ से भी क्या क्लियर मेंशन हो रहा है कि अगर हमारा ये देखो लेफ्ट साइड बराबर है एसी अपॉन में बीसी और एसी अपॉन में बीसी, तो क्या ये हमारा बराबर नहीं हो जाएगा बेटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉसैक थीटा, या फिर हम इसे ऐसे ले सकते क्या कॉसैक 90 माइनस थीटा sec थीटा। जब हम इसको भी हम अगर वहां पर वैल्यू चेंज करके लिखेंगे ए बी बी सी के टर्म्स में तो हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले और डेवलप हो गए बच्चों, यहां तो समझ में आया सभी को, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, इसे रब कर देते हैं, अब हम tan थीटा करते हैं, ठीक है बच्चों, स्क्रीन शॉट है इसका, ठीक है। चलिए देखिए अब हमारा जो tan थीटा है बच्चों उस पे जरा चलते हैं, तो tan थीटा हमारा क्या है बच्चों ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो हमारा देखो थर्ड वाला tan 90 माइनस थीटा की बात करते हैं, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा पी अपॉन में बी, तो 90 माइनस थीटा तो पी इसके लिए ये है परपेंडिकुलर है, यानी कि ए बी अपॉन में बेस क्या है ये है यानी कि बी सी। और अगर हम cot थीटा की बात करें तो cot थीटा क्या होता है बेटा बी अपॉन में पी, है ना, तो cot थीटा ये है तो उसके लिए बेस क्या है ये है यानी कि ए बी अपॉन में और परपेंडिकुलर क्या है ये है बी सी। तो यहां भी देखिए बेटा ए बी अपॉन में बी सी और ए बी अपॉन में बी सी, अगर हमारे पास राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं हो जाएगी, तो हम इसे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा लिखेंगे, या फिर हम इसे cot 90 माइनस थीटा और फिर हम tan थीटा लिखेंगे। तो हमारे पास ये जो है बेटा दो फॉर्मूले और डेवलप हो गए इस तरीके से बेटा, जो छह फॉर्मूले हैं यहाँ पर हमने सिक्स फॉर्मूले को डेवलप कर दिया। तो मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ गया हो, ठीक है बच्चों। तो इसका स्क्रीन शॉट लें फिर हम आइडेंटिटी फॉर्मूले पे डील करते हैं कि वो हमारी कैसे प्रूफ होती है बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों अब जो हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, ठीक है। ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल्स इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती है बेटा वो हर एक एंगल के लिए वैलिड होती है, सभी एंगल के लिए क्या होती है बच्चा वैलिड होती है। तो अब हम देखेंगे बच्चे वो क्या क्या है। तो देखो एक हमारी सबसे बेसिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो ये बेटा हर एंगल के लिए, यहाँ पर कोई सा भी एंगल लो सबके लिए वैलिड होगी बच्चों, ठीक है। मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसे वैलिड होगी, जरा एक बार देख लेते हैं, पहले प्रूफ देख लेते हैं इसका कैसे आता है, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, और थर्ड है आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये तीन आइडेंटिटी है बेटा बेसिक आइडेंटिटी, जिसके बेसिस पे हमारा एक्सरसाइज 8.4 डील करेंगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम देखते हैं ये प्रूफ करते हैं कि ये आती कैसे। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारा बेस है सबसे इस चैप्टर का, ये 90 डिग्री ली मैंने, ठीक है, और उसके बाद ये मैंने लिया ए, ये लिया मैंने बी और ये लिया मैंने सी, एंगल बी जो है हमारा यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा अप्लाइंग, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों अप्लाइंग PGT थ्योरम इन एंगल ए बी सी में। तो देखो ध्यान से देखो बेटा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। आपको पता है बेटा अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस, ये अगर हमारा ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमें देखो ध्यान से समझिए बच्चों ये चीज तो आ गई। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे इक्वेशन वन मान लेंगे इसको, अब हम लिखेंगे डिवाइड एसी स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो हमारा क्या जाएगा बच्चा एसी का स्क्वायर अपॉन में एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर अपॉन में बच्चों बीसी सॉरी एसी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एबी का स्क्वायर अपॉन में एसी का स्क्वायर, ठीक है। यहां से कोई डाउट एसी से एसी कैंसिल हो। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों साइन थीटा मतलब साइन ए कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो ए की जगह थीटा है तो हमने ए की जगह हमने थीटा लिख दिया। अब साइन थीटा क्या होता है बेटा, मैंने अभी आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है, और ये हो जाएगा सोना चांदी तोले, ठीक है। तो साइन क्या होता है बेटा पी अपॉन एच होता है, साइन क्या होता है पी अपॉन एच होता है, ये होता है आपका कॉट, ठीक है, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा आपका कॉसेक, ठीक है। तो साइन पी अपॉन एच होता है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा बीसी अपॉन में
एसी, ठीक है। और अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो वो क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा बी अपॉन एच होगा, तो यानी कि ए बी अपॉन में एसी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान समझिएगा, देखो बीसी अपॉन में एसी, ठीक है, बीसी अपॉन में एसी साइन थीटा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, बीसी अपॉन में एसी का होल स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में एसी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिए, वन अपॉन में, देखिए बीसी अपॉन में एसी, देखिए बीसी अपॉन में एसी क्या है बच्चों, बीसी अपॉन में एसी क्या है आपका साइन थीटा, तो ये क्या आ गया बच्चों, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी क्या होगी बच्चों, प्रूफ हो गई। तो यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया बच्चों, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। सेम अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब जो नेक्स्ट है, अब हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को, अब हम पूरी इक्वेशन को बच्चों हम क्या करते हैं, ए बी स्क्वायर से डिवाइड मारते हैं, डिवाइडिंग ए बी का स्क्वायर, ठीक है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड मारेंगे बेटा ए बी के स्क्वायर से। तो देखो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ए बी का स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा ए बी का स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आगे और जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको देखते हैं, हमारा क्या क्या वैल्यू दे रखी बच्चों, ठीक है। तो देखो जरा, अब हम उसकी बात करते हैं टैन की, तो टैन थीटा, देखो टैन क्या होता है पी अपॉन में बी, तो पी पी क्या है हमारे पास, देखो बेटा बी सी अपॉन में बेस, बेस क्या है ए बी, ठीक है। और अगर हम सेक थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा ए सी अपॉन में ए बी, सेक थीटा की बात करें ये सेक थीटा एच अपॉन में बी, तो ए सी अपॉन में ए बी। ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा कॉसेक थीटा की, तो वो क्या इसका रिवर्स कर दो, ठीक है, ए सी अपॉन में बी सी, ठीक है। और अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो इस टाइम का रिवर्स कर दो, ए पी अपॉन में बी सी, ठीक है। यहाँ से पूरा बच्चों सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से ध्यान से समझेंगे बेटा, ठीक है। तो देखो ये हम ए सी अपॉन में बी सी है, ठीक है, तो ए सी अपॉन में बी सी क्या है, देखो ए सी अपॉन में बी सी क्या है, ए सी अपॉन में ए बी, सॉरी ए सी अपॉन में ए बी क्या है हमारा, देखो साफ साफ देखा सेक थीटा है, तो क्या मैं इसकी जगह आपका सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और बी सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन में ए बी की जगह टैन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये प्लस वन, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला डेवलप हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखो अब हम पूरी क्वेश्चन को क्या करते हैं बच्चों, अब पूरी क्वेश्चन को हम किससे डिवाइड मारेंगे, पूरी क्वेश्चन को हम बीसी बीसी स्क्वायर से डिवाइड मार देंगे। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, एसी का स्क्वायर अपॉन में बीसी का स्क्वायर इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर अपॉन में बीसी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन में बीसी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। जब हम इससे डिवाइड मार देंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये बीसी स्क्वायर से बीसी स्क्वायर कट गया, अब हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, एसी अपॉन में बीसी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वन हो गया, प्लस ए बी अपॉन में बीसी का होल स्क्वायर। अब जो भी हमारा इसका बेटा डेटा है उसको रख लेते हैं, देखो एसी अपॉन में बीसी क्या है, ठीक है, एसी अपॉन में बीसी क्या है, कॉसेक स्क्वायर है, ये हमारे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे क्या हो जाएगा बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस ये क्या जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ का समझ आ गया, तो ये हमारी जो थर्ड आइडेंटिटी है बच्चों, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी जो है वो डेवलप हो गई बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया सबको बच्चों, तो ये हमारी आइडेंटिटी जो है सारी डेवलप हो गई, इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब मैंने क्या बोला, तो हमारी पहली स्टेटमेंट है उसमें ये बोलता है कि बच्चों यहाँ पर जो है ये सभी एंगल के लिए वैलिड है, तो मैं जरा आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो जरा, जैसे हमने लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, है ना। अगर मान लो मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 रखू दोनों की रेंज, तो रख देते हैं कोई बात नहीं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 रखी मैंने प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर 45 रखा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 का स्क्वायर, और 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√2 का स्क्वायर, है ना। रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 1/2, और यहाँ भी क्या जाएगा रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 1/2, और हाफ और हाफ कितना होता है 1 होता है, यानी कि LHS जो है किसके बराबर आ गया बेटा RHS के, यानी कि हम थीटा की वैल्यू कुछ भी ले, ये सभी आइडेंटिटीज के लिए सभी थीटा की वैल्यूज के लिए सभी एंगल्स के लिए जो बेसिक एंगल्स के ये आइडेंटिटी क्या है बेटा वैलिड है, ठीक है बेटा। मेरे ख्याल से सभी को बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, अगर 20 अच्छी लगी वीडियो तो उसको शेयर करें,
और सब्सक्राइब करें ठीक है चैनल को, और लाइक जरूर करें बेटा ठीक है, और कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो जो है इंट्रोडक्शन पार्ट की आपको ट्रिग्नोमेट्री की कैसी लगी बच्चों ठीक है। सभी को मेरा राम राम, सभी को मेरा धन्यवाद ठीक है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज आप लोग जो है ये इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो बहुत ध्यान से देखें बेटा। अगर सपोज आपको मान लो अपनी बिल्डिंग ब्लॉक बनानी है, आपको अपना बेस क्रिएट करना है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको जरूर देखें। सभी को मेरा राम राम।